हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पॉलिटी की आपकी सीरीज बीच में ब्रेक हो गई थी, आप लोग जानते हैं जैसे उस टाइम चोट लग गई थी तो बीच में आप लोगों को नहीं पढ़ा पाए थे, और फिर हमें शिफ्टिंग करना पड़ा अलाहाबाद से घर पर, और फिर उसके बाद में स्टूडियो बनाने में भी थोड़ा सा समय लग गया था। ओके, तो अब स्टूडियो अपना बन गया है, अब आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस मिलने लगेंगी। देखिए, लाइव क्लास अभी क्यों नहीं हो रही है? लाइव क्लास इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो नहीं अभी लग पाया है, क्योंकि वहां से ट्रांसफर हुआ था, और ट्रांसफर होने के बाद में यहाँ पर जो इनका पोल है, एक तो हमारा घर है वो थोड़ा सा ज्यादा दूर पड़ रहा है। ये 150 मीटर कनेक्शन देते हैं, 150 मीटर तक, लेकिन हमारा घर है उस पोल से 150 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा, और उसमें कुछ उन लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, वो लगभग में कुछ दिनों में शॉर्ट आउट कर देंगे। देखिए, हमने कई बार बात की, हमारी कस्टमर केयर से हुई तो एक नंबर है, कई सारे नंबरों से बात की थी, तो अभी देखिए वो सॉर्ट आउट हो जाएगा 2-4 दिनों में। लेकिन हमने सोचा आप लोगों को क्लासेस देते रहे तो हम मोबाइल से इसको अपलोड कर दिया करेंगे, इसलिए लाइव क्लासेस तो अभी नहीं हो पाएगी। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया था, तो आप लोगों से बात, कुछ लोगों से बात हुई थी और कुछ लोगों से बात नहीं हो पाई, और आप लोगों के मैसेज के रिप्लाई भी नहीं कर पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, अब हम लोग अच्छे से लाइव भी आया करेंगे तो आप लोगों से अच्छे से बात हो जाया करेगी, और आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज ब्रेक हो गई थी वो टेस्ट सीरीज भी अब संडे को सॉल्व कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे मंत्री परिषद के बारे में और साथ में मंत्रिमंडल के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे किचन कैबिनेट क्या होता है, सुपर कैबिनेट क्या होता है, और मंत्रियों के बारे में भी जानेंगे कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, उप मंत्री क्या होता है, सचिव क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे। और आप लोग, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर जब से आपने क्लास ऑफ की है तब से हम बुक खोल के भी नहीं देखे हैं, और पढ़ाई एकदम ब्रेक हो गई है, तो कोई बात नहीं, आप लोग फिर से पढ़ाई उसी तरह से जारी रखिए। अगर अगर हम बीच में कभी क्लास नहीं भी दे पाते हैं तो आप लोग अपनी जो स्टडी है वो ब्रेक मत किया करिए, उसी कंसिस्टेंसी के साथ में और उसी तरह से आप लोग पढ़ाई किया करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो देखिए, यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में, लेकिन इससे पहले हम आपको एक छोटा सा अप्रोच देना चाहते हैं, जिससे आप लोगों का एकदम कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसे आप लोग जानते हैं, अगर हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है तो संघीय व्यवस्था होने के कारण एक तरफ हमारे यहाँ केंद्र देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको राज्य देखने को मिलेंगे, जैसे बहुत सारे राज्य हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर केंद्र की बात कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा उसी को ध्यान में रख करके बात करिएगा। तो देखिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे एक होती है संसद, हम आपको बताए थे संसद के बारे में, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा दूसरा वाला पेन ले लेते हैं, पेन थोड़ा सा दिक्कत करता है। देखिए, आपको देखने को मिलेगा संसद, और जब भी हम संसद बोले तो आप लोग समझ जाइए इसका मतलब है राज्यसभा और प्लस लोकसभा। ओके, अभी हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से आप लोगों का रिवाइज नहीं हुआ होगा, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो, तो इस वजह से। तो संसद का मतलब क्या है? राज्यसभा लोकसभा। तो एक सर्कल हम बना लेते हैं, और ये क्या है, मानते हैं राज्यसभा और लोकसभा है। ओके, अब देखिए ये राज्यसभा, अभी देखिए सर्कल भी गोल नहीं बन रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर जो स्टूडियो है ना, बैठ करके पढ़ा रहे हैं और खड़े होकर के पढ़ाते थे, नई जगह है, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा हाथ को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए, मानते हैं संसद है, अब संसद है, अब देखिए संसद में क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सांसद के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सांसद बोलते हैं। ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी के नाम से भी इनको आप लोग जानते होंगे। ओके, तो देखिए जो ये सांसद है ना, ये सांसद में से ही कुछ लोगों को चूज किया जाता है, मतलब चुना जाता है। ओके, मंत्रियों के रूप में, किस रूप में, मंत्रियों, वो मंत्री किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, राज्य मंत्री हो सकते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, हो सकते हैं किसी भी तरह के हो सकते हैं। ओके, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये क्या है, संसद है, आपको ये देखने को मिलेगी संसद है। अब देखिए इस संसद में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ मेंबर के लिए ले लिया जाता है। ओके, किस रूप में, मंत्री के रूप में। ओके, किस रूप में, मंत्री के रूप में ले लिया जाता है। अब देखिए, जब हमने बोला कि मंत्री के रूप में, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि एक तो इसमें होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मंत्री कैसा हो सकता है, कैबिनेट मंत्री हो सकता है, आप लोगों के लिए नोट भी करना है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कैबिनेट मंत्री के अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर राज्य मंत्री हो सकता है,
राज्य मंत्री हो सकता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो सकता है, राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो सकता है। देखिए जो राज मंत्री होता है ना, यही क्या होता है, राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, अभी आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि उपमंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। ओके, तो इसी के लिए क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुप है मंत्रियों का क्या है, समूह है, ये मंत्रियों का क्या है, समूह है, समूह है। इसी समूह को क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं। ओके, यही क्या है, मंत्री परिषद है, आप लोग समझ गए। अब देखिए जो ये मंत्री परिषद है ना, इसी में से कुछ मंत्रियों को एक अलग ग्रुप बना लिया जाता है जिसको मंत्रिमंडल बोलते हैं। वो किसका ग्रुप होता है आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो कैबिनेट मंत्री है ना, इन कैबिनेट मंत्री का आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा, जो समूह देखने को मिलेगा, इसी समूह को हम क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। यानी कि आपको ग्रुप के अंदर ग्रुप देखने को मिलेगा। इसके अलावा किचन कैबिनेट भी होता है, सुपर कैबिनेट भी होता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी बात करेंगे। ये तो एक बेसिक नॉलेज थी, तो आपको समझ में आया ये क्या है, ग्रुप के अंदर ग्रुप है, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, आलोचना भी की जाती है इसकी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है। तो देखिए आप, आपको देखने को मिलेगा जैसे एक हायरार्की, आपने सुना होगा मिनिस्ट्री के बारे में सुना होगा, मंत्रालय के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा। क्या होता है, एक होता है मंत्रालय, ओके, मंत्रालय होता है, ओके। अब मंत्रालय के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इस तरह बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे महिला, एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, तो उसके अंडर में क्या होगा, महिला और बाल विकास से संबंधित जितने कार्य होंगे वो उसको सौंप दिया जाते हैं। लेकिन क्या महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड क्या एक ही कार्य होगा, उनके हो सकता है एजुकेशन से रिलेटेड हो, कुपोषण से रिलेटेड हो, उनके सुरक्षा से संबंधित हो, बहुत सारी चीजें, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो क्या क्या कर दिया जाता है, इन्हीं मंत्रालय के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। एक डिपार्टमेंट से कहा जाता है तुम देखो बच्चों और महिलाओं की एजुकेशन के लिए देखिए, दूसरे एक और इसके अंदर डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा, उससे बोला जाएगा आप इनके सुरक्षा के लिए आपको जिम्मेदारी दी जाती है, आप देखिए। तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मंत्रालय के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभाग बोलते हैं। तो देखिए जो मंत्रालय का प्रमुख होता है, जो मंत्रालय का प्रमुख होता है उसे क्या बोलते हैं, हम कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। समझ गए आप लोग, मंत्रालय के प्रमुख को कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। और जो मंत्रालय के अंदर विभिन्न विभाग होते हैं, इन विभाग के प्रमुख को हम राज मंत्री बोलते हैं। और राज मंत्री का ही एक अन्य आपको रूप देखने को मिलेगा, जिसे हम राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। देखिए राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होता है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, जैसे मंत्रालय के आपने घर को क्या मान लीजिए, एक मंत्रालय मान लीजिए, आपका घर है वो क्या है, एक मंत्रालय है। और आपके घर में क्या होगा, एक हेड होगा, हेड कौन होगा, हेड आपको आपकी माता जी देखने को मिल सकती हैं, कोई तो हेड होगा ना, आप क्या है माता जी मानते हैं, आपकी जो मम्मी है वो क्या है, आपके घर की हेड है। अब हेड है तो वो क्या कहलाएंगी, कैबिनेट मंत्री कहलाएंगी, ओके, क्या कहलाएंगी, कैबिनेट मंत्री कहलाएंगी। और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा जैसे आपका भाई, आपके घर में भाई होंगी, बहन होंगी, तो भाई को डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, जाओ तुम्हारा काम है बाहर का सभी कार्य देखना, जैसे छोटू को स्कूल छोड़ करके आना, इसके अलावा सब्जी लेकर के आना, कोई भी चीज मंगाई जाती है तो बाहर से लेकर के आओ, है थोड़ा मेहमान आ जाए तो उनके लिए बिस्किट चाय पिलाओ, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपके घर में सस्टर होंगी, उनको भी कुछ कार्य सौंप दिया जाते हैं, जैसे आप मम्मी के साथ में हाथ बटाओ, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा थोड़ा सा मम्मी के साथ में कराओ, तो उनको वो डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। तो देखिए जैसे आपकी बहन है और आप है, वो क्या आप क्या कहलाएंगे, राज्य मंत्री कहलाएंगे, क्या आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया गया, ओके। लेकिन क्या हो, कभी कभार आपकी मम्मी पापा घूमने चले जाए, अब घर में क्या है, कैबिनेट मंत्री नहीं है, क्या है घर में क्या है, कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो जो राज मंत्री होता है ना उसी को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, उसी को सारी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं कि अच्छा अब तुम देखो घर की सारी जिम्मेदारियां अब तुम्हारे हाथ में।
हैं। जैसे मम्मी जाती होंगी तो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती होगी, उसको सारी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। तुम सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे पास में है, घर को लॉक कैसे करना है, क्या करना है, A to Z। तो उसी को क्या बोलते हैं, राजमंत्री को राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार बोल देते हैं। जैसे ऊर्जा मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, ऊर्जा मंत्रालय में सामान्यतः कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, तो उस राज्य मंत्री को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से जाना जाता है। ओके, यानी कि जिस मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, तो आपको देखने को मिलेगा उस मंत्रालय के किसी मंत्री को, जो राज्य मंत्री होता है, उसी को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि आप क्या है, इस मंत्रालय के भी एक तरह से प्रमुख है, लेकिन आप कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो उसी को किस नाम से जाना जाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये उपमंत्री क्या है, ये किसी का प्रमुख नहीं होता है। उपमंत्री क्या है, ये सहायता के लिए बनाया जाता है। जैसे कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, हेल्प के लिए कौन होगा, तो ये उपमंत्री होता है। इसी तरह से जो राज्य मंत्री होते हैं ना, तो राज्य मंत्री की हेल्प के लिए भी कुछ उपमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है, इसकी हेल्प के लिए भी कुछ उपमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो समझ में आ गया, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। हो सकता है इधर से मेरी से कुछ छुप जाए, तो मैं थोड़ा सा साइड से हट जाता हूँ। वैसे मैंने इसमें गायब करने वाला बनाया है सिस्टम, अब आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, लाइव नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर गया। वैसे हम अपने मोबाइल में देखते रहते हैं, तो अभी इसमें नहीं दिख रहा है कुछ भी। चलिए कैमरा ला देते हैं, कैमरा आ गया होगा, हो सकता है नहीं आया हो तो भी परेशान नहीं होना है। तो आप लोगों को समझ में आया क्या है, जो मंत्री परिषद है वो क्या है, ग्रुप के अंदर ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, और उसके अंदर भी एक ग्रुप है जिसको हम मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं। देखिए, जो मंत्री परिषद है इसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। आप लोगों के लिए प्रॉपर नोट करना है, वरना हम जल्दी जल्दी भी पढ़ा करके निकल सकते थे आप लोगों के लिए। कितने अच्छे से एकदम ऑफलाइन क्लासेस की तरह आप लोगों को पढ़ाया जाता है, तो नोट भी करना है। और देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि मंत्रिमंडल क्या होता है, इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसीलिए इसको कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, ये कैबिनेट इसको बोलते हैं, ये क्या है, कैबिनेट है। ओके, और ये मंत्रियों का समूह है, तो इसीलिए इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम दोनों के बारे में देख लेते हैं, और यहाँ से ही आप अंतर भी करना सीख जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग टिप्पणी भी कर देंगे, जो भी कि जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सभी क्वेश्चन का आंसर करने में सक्षम होंगे। और कुछ दिनों के बाद से हम यहाँ पर क्वेश्चन भी ऐड कर दिया करेंगे। वैसे आप लोग भी देखते रहिएगा किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें मंत्री परिषद की, तो मंत्री परिषद है, यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है, यानी कि संवैधानिक निकाय है, इसका वर्णन कहीं ना कहीं तो संविधान में किया गया होगा, तभी तो यह संवैधानिक निकाय है। तो इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। हम कई बार आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 को। ओके, अब देखिए, आर्टिकल 74 और 75 में मंत्री परिषद का वर्णन तो किया गया है, मतलब इस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लेकिन नोट करके लिख लीजिए, लेकिन लेकिन मंत्री परिषद के आकार आकार एवं वर्गीकरण का वर्णन नहीं किया गया है, का वर्णन नहीं किया गया है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जो मंत्री परिषद है, इसका आकार कितना बड़ा होगा, कितने इसमें मंत्री होंगे, कितने मेंबर होंगे, ये नहीं बताया गया, और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी नहीं बताया गया है। और यहाँ से ही PD का क्वेश्चन उठा करके आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि देखिए, जो मंत्री परिषद है, संवैधानिक निकाय तो है, लेकिन इसके आकार और इसके वर्गीकरण के बारे में नहीं बताया गया है हमारे संविधान में। ओके, तो देखिए, लेकिन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संविधान संशोधन देखने को मिलेगा। कौन सा, तो हमारे पास में जगह नहीं है, इसलिए हम आगे लिखने जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अरे, पानी तो हम लेकर के नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, पानी बाद में पी लेंगे। तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत छूट जाता है तो। वैसे आप लोग हैबिट डालिए, जैसे जैसे हम समझाते रहते हैं तुरंत आप लोग
नोट करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लाइव नहीं है तो आप बता भी नहीं पाएंगे कि थोड़ा सा सर छूट गया है। ओके, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक संविधान संशोधन यहाँ पर होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 91वां संविधान संशोधन। ओके, ये 2003 में होता है। देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा, बता दिया जाता है कि जो मंत्री परिषद है इसका जो आकार है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम इसमें बता दिया गया कि मैक्सिमम 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। और नोट करके लिख लीजिए कि पीएम एवं सीएम के साथ, पीएम एवं सीएम के साथ में, इसका मतलब क्या है, इनके प्रमुखों के साथ में 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके 15%? आखिर लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसके 15%? तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा मेंबर जो हैं, लोकसभा मेंबर के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राज्यसभा से मतलब नहीं है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। ओके, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा इस संविधान संशोधन के बाद में, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो संघीय मंत्री परिषद है, संघीय मंत्री परिषद है हम शॉर्ट में लिख देते हैं, और दूसरी आपको देखने को मिलेगी प्रांतीय मंत्री परिषद, प्रांतीय मंत्री परिषद। तो देखिए जो संघीय मंत्री परिषद है इसमें मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें मिनिमम है वो नॉट डिसाइडेड, मतलब ये डिसाइडेड नहीं किया गया है मिनिमम कितने हो, एक हो या फिर दो हो या फिर तीन हो या फिर चार हो, ये डिसाइडेड नहीं किया गया है, नॉट डिसाइडेड। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन जो संघीय मंत्री परिषद है, जो मोदी जी वाली मंत्री परिषद है, उसमें कितने मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं मंत्री परिषद में, तो मैक्सिमम इसमें लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो लोकसभा के अगर हम 15% निकालें तो लगभग में मैक्सिमम 81 मेंबर हो सकते हैं, कितने मेंबर, 81 मेंबर। अगर लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर हम प्रांतीय मंत्री परिषद की बात करें तो प्रांतीय मंत्री परिषद में मिनिमम और मैक्सिमम की क्या कैटेगरी है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम कितने होने चाहिए, तो इस संविधान संशोधन के बाद बताया गया कि इसमें मिनिमम 12 मंत्री, कितने, 12 मंत्री होने चाहिए, यानी कि कम से कम 12 मंत्री तो होने ही होने चाहिए, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो जो विधानसभा है, देखिए जैसे आपको देखने को मिलेगी केंद्र में लोकसभा है, और उसी तरह से आपको प्रांतों के अंदर विधानसभाएं देखने को मिलेंगी, तो विधानसभा के 15% आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों बोला गया, संघीय मंत्री परिषद है तो वहां पर तो मिनिमम की कैटेगरी डिसाइड नहीं की गई, लेकिन आखिर प्रांतीय मंत्री परिषदें होती हैं, यहाँ पर आवश्यकता क्यों पड़ गई आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जो विधानसभाएं होती हैं उनमें मेंबर फिक्स नहीं होते हैं, वो आपको छोटा राज्य है तो आपको वहां पर कम, विधानसभा में कम मेंबर देखने को मिलेंगे, अगर बड़ा राज्य है जैसे कि आपको देखने को मिलेगा राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ की जो विधानसभाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। ओके, तो इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा अगर किसी राज्य की मंत्री विधानसभा बहुत छोटी है तो मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। क्यों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल नोट करके लिख लीजिए, जैसे आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी की जो विधानसभा है उसमें तो विधानसभा में कितने मेंबर हैं, 403 मेंबर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में 30 मेंबर ही हैं, क्योंकि तो भाई वो छोटा सा एरिया है, इसलिए 30 मेंबर की ही विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें सिक्किम की तो यहाँ पर आपको 32 मेंबर की विधानसभा देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें गोवा एवं मिजोरम की बात करें,
ओके, यहाँ पर आपको 40-40 मेंबर ही आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ का अगर हम 15% निकालें तो 15 दूनी 30, 33, 60 बैठेंगे ऐसा करके। ओके, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, लगभग में 60 60 या 61 आप मान सकते हैं। ओके, लेकिन देखिए यहाँ की जो विधानसभाएं हैं ये क्या है, आपको जो विधानसभाएं देखने को मिलेंगी मेंबर बहुत कम है। अगर हम इनका 15% निकालें तो लगभग में आपको 4 से 5 मेंबर ही निकल के आएंगे। सोचिए 4 से 5 मेंबर की ही मंत्रिपरिषद होगी, पूरे राज्य का इनके अंडर में ही शासन चलना है, गवर्नमेंट है इनके अंडर में ही चलनी है, तो तानाशाही हो सकती है ना। अगर कुछ लोग ही शासन में रहेंगे, गवर्नमेंट कुछ लोग ही मिलकर के चलाएंगे, तो इसमें क्या हो सकती है, तानाशाही आ सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया गया, इस चीज से बचने के लिए बोला गया कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए भाई, मिनिमम तो क्या होने चाहिए, 12 मेंबर होने ही चाहिए। भले ही ये 15% की जो कैटेगरी है इसको पार कर जाए तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसी तरह से आप गोवा और मिजोरम का भी निकालेंगे तो लगभग में आपको 5 या 6 मेंबर लगभग में निकल के आएंगे। तो इस वजह से मिनिमम कैटेगरी भी डिसाइड की गई, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आप आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहां पर मेंबर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो मंत्रिपरिषद होती है इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कौन कौन मेंबर होते हैं, फिर से आप लोग लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट है, लिख लीजिए कि यह क्या है, एक बड़ी संस्था है, यह है एक बड़ी संस्था है। ओके, इस बड़ी संस्था में कौन कौन होता है, एक आपको कैबिनेट मंत्री देखने को मिलेगा, कैबिनेट मंत्री देखने को मिलेगा, दूसरा आपको इसमें देखने को मिलेगा राज्य मंत्री देखने को मिलेगा, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसी की क्या है कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, बार बार इधर नहीं लिखेंगे। और एक क्या होता है, उपमंत्री आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए जो कैबिनेट मंत्री होता है, एक कैबिनेट जो मीटिंग होती है, अधिकार पूर्वक कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट की मीटिंग में अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेटी में और बार बार पूछा भी जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो देखिए कैबिनेट मंत्री होता है, ओके, तो कैबिनेट मंत्री, यहाँ पर कलर हम चेंज कर देते हैं, तो कैबिनेट मंत्री है, एक कैबिनेट की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। ओके, और आपको देखने को मिलेगा इनमें से और कोई मेंबर अधिकार पूर्वक भाग नहीं ले सकता है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होता है, राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार वो व्यक्ति होता है जिसे जिस मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री नहीं होता है और उसके लिए उसका भार सौंप दिया जाता है, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि इसको बोलते हैं राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से। और अगर कैबिनेट मीटिंग में इस प्रकार का डिसीजन लेना हो कि वो उस मंत्रालय से रिलेटेड हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई कैबिनेट मीटिंग में है ही नहीं, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी ना। तो इसी वजह से इसको क्या किया जाता है, इसको जो इस मीटिंग में जो राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार है ना, इस मीटिंग में इसको बुलाया जाता है, यानी कि जब इसको बुलाया जाता है तभी कैबिनेट मीटिंग की जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें ये भाग ले सकता है, अन्यथा ये भाग नहीं ले सकता, यानी कि अधिकार पूर्वक भाग नहीं ले ले सकता है। ओके, केवल, तो लिख लीजिए केवल पीएम के बुलाने पर, पीएम के बुलाने पर, ओके, पीएम के बुलाने पर यहाँ पर जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है वो कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी। देखिए जो मंत्रिपरिषद होती है, तो मंत्रिपरिषद में 4 मेंबर तो आपको समझ में आ गए, कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री, राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, इनके कार्य भी आपको समझ में आ गए। जैसे कैबिनेट मंत्री हम किसे बोलेंगे, जो मंत्रालय का प्रमुख होगा, राजमंत्री किसे बोलेंगे, आप जो विभाग का प्रमुख होता है, राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार अभी कई बार बता चुके हैं, उपमंत्री क्या होता है, इन लोगों की सहायता के लिए उपमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा भी मंत्री परिषद में मेंबर होते हैं, कौन कौन होता है, तो
तो लिख लीजिए। इसके अलावा नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए, आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं इधर साइड से लिख देता हूँ। तो नोट करके, इसके अलावा भी मेंबर होते हैं, चार मेंबर के अलावा भी मेंबर हो सकते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा संसदीय सचिव, संसदीय सचिव। ओके, ये जो संसदीय सचिव है लिख लीजिए, यह है संसदीय सचिव में नोट करके, मतलब एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिए। यह है मंत्रियों की अंतिम श्रेणी होती है, यह है मंत्रियों की अंतिम श्रेणी होती है, मंत्रियों की अंतिम श्रेणी होती है, अंतिम श्रेणी होती है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा उप प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो उप प्रधानमंत्री है इसे शामिल किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ओके, क्योंकि आपको पता है उपमंत्री है, जरूरी नहीं इसको नियुक्त किया जाए। ओके, ये एक परंपरा होती है कि चलो ठीक है, एक उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन इसकी वैसे वास्तविकता में इसकी कोई कार्य और कोई उत्तरदायित्व इसके नहीं होते हैं, इसलिए सामान्यतः इन्हें नियुक्त भी नहीं किया जाता है, लेकिन शामिल किया जा सकता है। ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, देखिए इसके अलावा आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे ये सारी चीजें। हाँ, इसके अलावा मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, कई बार पढ़ा चुके हैं, पीएम होता है, वो मंत्रिपरिषद का आपको प्रमुख देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर हम राज्यों की बात करें तो सीएम होता है, वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इसके अलावा अन्य मेंबर में नोट में ही लिख लीजिए, पीएम मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ये तो कई बार आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ओके, इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम बता देते हैं, नोट में ही चौथा पॉइंट लिख लीजिए कि यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्री परिषद होती है, वो लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ओके, एक चीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए ये सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ये आपको देखने को मिलेगा। एक नियम संख्या, मतलब जो जो संसद की जो नियम संख्या है आपको देखने को मिलेगी, नियम संख्या 198, ये नियम संख्या किसकी है, लोकसभा की है, लोकसभा की नियम संख्या 198 आपको देखने को मिलेगी। इसमें बोला गया है कि एक मंत्री के प्रति, ध्यान सुनिएगा, एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव के बारे में हम जल्द ही बात करेंगे, आप लोगों को विधायिका जब पढ़ाएंगे। ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि काफी प्रमुख बात थी। ओके, देखिए अब हम लोग आते हैं मंत्रिमंडल के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, एक बार देख लेता हूँ मेरा फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्चुअली रिकॉर्ड हो रहा है तो कुछ समझ भी नहीं आता यहाँ पर, तो चलिए आ रहा है फेसेस में। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर मंत्रिमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मंत्रिमंडल क्या है, आपको देखने को मिलेगा क्या है, ये संसद है, संसद के मेंबर में से कुछ मेंबरों को चूज किया जाता है। कौन से मेंबरों को चूज किया जाता है, जिसकी सरकार होती है। सरकार किसकी होती है, जिसका लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है उसकी सरकार होती है। तो वही अपनी पार्टी के कुछ मेंबरों को, जो सांसद होते हैं, उन्हीं को मंत्री चूज करती है, तो किसी के लिए कैबिनेट मंत्री बना देती है, किसी के लिए राज्य मंत्री बना देती है, किसी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना देती है, किसी को उपमंत्री बना देती है, यानी कि कुछ सांसदों को, यानी कि पार्टी के सभी सदस्यों को, जिस पार्टी की सरकार होती है उसके सभी सदस्यों को मंत्री नहीं बोला जाता है, उनमें से कुछ मेंबर को ही मंत्री बोला जाता है, जिन्हें ऐसा मंत्री नियुक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, और एक और चीज आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो मंत्रियों को वेतन मिलता है, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं जिससे आप लोगों को अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप लोग
कंफ्यूज ना हो। देखिए जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं ओके, ये क्या होते हैं, ये सांसद भी होते हैं, और ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं ओके। वैसे विधायक भी हो सकते हैं अगर हम राज्यों की बात करेंगे। तो देखिए ये सांसद होते हैं और प्लस आपको जो सदस्य होता है वो सांसद भी होता है और साथ में आपको मंत्री भी देखने को मिलेगा ओके। अब देखिए इस मंत्री के लिए जो वेतन मिलता है, जो वेतन मिलता है वो वेतन किसका मिलता है, उसे सांसद का ही वेतन मिलता है। यानी कि मंत्री को वेतन अलग से नहीं मिलता है, जो सांसदों के लिए वेतन दिया जाता है वही एक मंत्री को भी वेतन मिलता है ओके। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखनी है। लेकिन अब देखिए मंत्री है भाई, अब इसके लिए कुछ अलग से कार्य भी करने होते हैं, इनको डिपार्टमेंट दिए गए, मंत्रालय दिए गए हैं, तो इनके पास में कुछ जिम्मेदारियां, एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां है ना। तो आपको देखने को मिलेगा कि इन्हें वेतन भत्ते, इन सांसदों को जो वेतन मिलता है वो वेतन इनको भी मिलता है, लेकिन इन्हें अलग से भत्ते यानी कि अलाउंसेस होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं, जो भत्ता होता है और अन्य भी, अन्य प्रकार का अगर कोई खर्च आता है, अन्य प्रकार के जो खर्च होते हैं वो भी इन लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन वेतन सांसद वाला ही मिलता है ओके। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटी सी बात थी, आप लोग समझ गए होंगे ओके। और देखिए जो ये यहाँ पर मंत्री होता है, देखिए आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये मंत्री होते हैं इन्हीं के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं, और इन्हीं में से जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, मंत्रिमंडल बोल देते हैं। तो थोड़ा सा मंत्रिमंडल के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए ये मंत्रिमंडल है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1978 में हुआ ओके, इसके माध्यम से एक आर्टिकल 352 है, 52 में इसको शामिल किया गया, 52 में इसको शामिल किया गया ओके। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर लेकिन लेकिन जो मंत्रिमंडल है इसके कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां शक्तियां हैं, इनका वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया, इसका जो वर्णन है वो हमारे संविधान में नहीं किया गया है ओके। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ओके। देखिए जो मंत्रिमंडल होता है इसका कोई इसका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। वैसे देखिए जो मंत्री परिषद होती है इसमें समानता आपको 60 से 70 मेंबर देखने को मिलेंगे, समानता 60 से 70 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, समानता आपको देखने को मिलेंगे ओके। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 81 हो सकते हैं, 81 हम लोगों ने देखे थे। लेकिन इसका जो आकार होता है वो कोई निश्चित नहीं होता है। अगर यहां पर मैं दोबारा से डाल देता हूं मंत्रिमंडल ओके, तो अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें यहां पर, तो आपको देखने को मिलेगा दूसरा पॉइंट हमारा है ओके, इसका जो आकार है वो कोई निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है ओके। और इसमें आपको देखने को मिलेगा 15 से 20 मंत्री होते हैं, इसमें समानता आपको देखने को मिलेंगे कि 15 से 20 मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही सब आपको देखने को मिलेंगे ओके। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, तो एक आपको संघीय मंत्रिमंडल देखने को मिलेगा, संघीय मंत्रिमंडल, एक आपको देखने को मिलेगा प्रांतीय मंत्रिमंडल, प्रांतीय मंत्रिमंडल आपको देखने को मिलेगा ओके। तो ये चीज आपको देखनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यह क्या है, एक छोटी संस्था है, यह क्या है, एक छोटी संस्था है। जैसे मंत्री परिषद एक क्या है, बड़ी संस्था है, वैसे ही मंत्रिमंडल क्या है, एक छोटी संस्था देखने को मिलेगी जिसमें केवल और केवल, जिसमें केवल केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी ओके। और यह मंत्री परिषद का ही एक भाग है, यह
मंत्री परिषद का ही एक भाग है, मंत्री परिषद का ही एक भाग है आपको देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए यहां पर इसकी जो, अगर हम इसकी मीटिंग्स की बात करें, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, अगर हम इसकी मीटिंग्स की बात करें, इसकी एक वीक में, मतलब एक सप्ताह में, एक वीक में इसकी लगभग में एक बैठक होती ही होती है, एक बैठक इसकी समानता आपको देखने को मिलेगी। और इसकी जो मीटिंग होती है, मतलब बैठक होती है, उसमें सरकार के जो जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इसी में किए जाते हैं। जैसे कि इसमें गवर्नमेंट के जो कार्य हैं, मतलब जितने भी वर्क्स होते हैं वो इसमें निपटाए जाते हैं, उनका निर्णय लिया जाता है। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इसके जो कार्य कार्यकलाप होते हैं, कार्यकलाप होते हैं वो सामूहिक रूप से होते हैं, सामूहिक रूप से आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम इसकी थर्ड की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से यह है मंत्री परिषद, यह है मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है। आखिर ऐसा क्यों है? तो देखिए आपको देखने को मिलेगा जो मंत्री परिषद होती है वो एक बहुत बड़ा निकाय है, उसमें अगर डिसीजन लेना हो तो बहुत समस्याएं आती हैं, और आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि ग्रुप में कुछ लोग होते हैं कुछ लोग नहीं होते हैं, बड़ी समस्याएं आती है। लेकिन एक छोटा ग्रुप होता है, छोटे ग्रुप में अच्छे से डिबेट भी हो पाता है, डिस्कशन भी हो पाता है, और डिसीजन भी इंस्टेंट लिया जा सकता है। तो आपको देखने को मिलेगा इसमें क्या होते हैं, सभी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, सभी मंत्रालय के प्रमुख होने के कारण जो ये डिसीजन लेते हैं वो सभी मंत्रालयों पर बाध्यकारी भी होते हैं, और प्रमुखों का जो निर्णय होता है वो सभी के लिए मान्य होता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो वास्तविक जो अपनी पावर्स का उपयोग करते हैं, शक्ति को प्रयोग करते हैं, वो यही लोग करते हैं। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करें थोड़ा सा, आप लोगों को मंत्री के बारे में यहाँ पर बता देते हैं, मिनिस्टर्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मंत्री की, तो देखिए मंत्री के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि अनुच्छेद आर्टिकल 75 में, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में बताया गया है। ओके, जैसे इनकी नियुक्ति के बारे में, नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 75 है वो मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताता है। इसके अलावा इनके कार्यकाल के बारे में, इसके अलावा उत्तरदायित्व के बारे में, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि अर्हताओं के बारे में बताया जाता है, इनकी एबिलिटी के बारे में भी, और साथ में इनके शपथ के बारे में, और साथ में वेतन के बारे में। ओके, तो ये सारी चीजों का वर्णन है वो आर्टिकल 75 में यहाँ पर किया गया है। ओके, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि आखिर मंत्री कौन बन सकता है, तो आप क्या मंत्री बन सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि मंत्री कौन बन सकता है, तो मंत्री कौन बन सकता है, नंबर एक, अगर हम यहाँ पर केंद्र की बात कर रहे हैं, सिर्फ ओके राज्यों की भूल जाइएगा, तो देखिए अगर हम बात करें कौन बन सकता है, या तो कोई व्यक्ति है वो अगर सांसद है, अगर सांसद है तो क्या बन सकता है, वो मंत्री बन सकता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि अगर या तो वो सांसद हो या फिर योग्यता रखता हो, यानी कि अगर हम सांसद नहीं भी हैं तो भी आप क्या बन सकते हैं, एक मंत्री बन सकते हैं। अगर आप मंत्री बन सकते हैं तो आपको सांसद, अगर आप नहीं है तो आपको सांसद बनना पड़ेगा, लेकिन कितने दिनों के अंदर बनना पड़ेगा, तो देखिए 6 माह के अंदर, मतलब 6 मंथ के अंदर, 6 माह के अंदर आपको क्या बनना पड़ेगा, एक सांसद बनना पड़ेगा, अन्यथा आप मंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। ओके, यानी कि आप 6 एटलीस्ट 6 माह तक बिना इलेक्शन, बिना सांसद बने आप क्या कर सकते हैं, एक मंत्री के पद पर रह सकते हैं। अगर मोदी जी आपको चाहें तो आपको मंत्री बना सकते हैं, बस आपकी एज होनी चाहिए और जो कुछ योग्यता है वो योग्यता आपकी होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, सांसद किसका, यानी कि आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, राज्यसभा या फिर लोकसभा किसी के भी अगर आप मेंबर हैं तो आप मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखिए कुछ लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि सदस्य
जो मंत्री है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का सदस्य हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो भी उसे एज अ मंत्री, एज अ मिनिस्टर उसे नियुक्त किया जा सकता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, अगर हम इनके वेतन एवं भत्ते की बात करें तो वेतन भत्ता कौन तय करता है, तो वो संसद तय करती है, संसद तय करती है। ओके, तो वेतन तो इनका समानता आपको देखने को मिलेगा कि जो सांसद का होता है वही इनका होता है, भत्ते इनको अलाउंसेस और खर्चे होते हैं वो अलग से इनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा अगर हम इनके अधिकार की बात करें, अगर हम इनके अधिकार की बात करें तो इनके अधिकार के बारे में आर्टिकल आर्टिकल 78 88 में आपको देखने को मिलेगा, 88 में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बोला गया है कि जो सदन में अधिकार के बारे में, सदन में अधिकार के बारे में, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 है वो क्या क्या बोलता है, तो आर्टिकल 88 आपको देखने को मिलेगा कि नंबर एक, मंत्री जो है वो दोनों हाउस, दोनों सदन में, दोनों सदन से तात्पर्य क्या है, दोनों सदन से तात्पर्य है राज्यसभा और लोकसभा। ओके, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोनों सदन में भाग ले सकता है, भाग लेने का अधिकार रखता है, प्लस बोलने का अधिकार रखता है, बोलने का अधिकार रखता है। ओके, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि वोट वो उसी सदन में देगा जिसका मेंबर है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा अगर कोई मंत्री है वो लोकसभा का मेंबर है लेकिन राज्यसभा में डिबेट चल रहा है तो वो वहां पर उसकी मीटिंग में उपस्थित भी रह सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा। वोट कहाँ देगा, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में वोट देगा, लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में वोट देगा, लेकिन वो दोनों सदन में, किसी भी सदन में उपस्थित रह सकता है। अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब भी दे सकता है, तो बोलने का भी उसको अधिकार है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए लेकिन 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 वह मतदान मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है, केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह मेंबर है, जिसका वह मेंबर है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, देखिए इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग नोट करके लिखना चाहते तो यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा कि देखिए हमारे संविधान में, हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री प्लस अन्य मंत्री, अन्य अन्य मंत्री से क्या मतलब, अन्य मंत्री से मतलब है जो उपमंत्री होता है और राज्य मंत्री होता है, उपमंत्री एवं राज्य मंत्री, जैसे ये सब क्या आते हैं, अन्य मंत्री में आते हैं, कैबिनेट मंत्री आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, इनका उपबंध हमारे संविधान में नहीं किया गया है, इनका उपबंध हमारे संविधान में नहीं किया गया है। हम नोट करके लिखा दिया, आप लोग गलत मत करिएगा कि उप प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं इसका उपबंध हमारे संविधान में नहीं किया गया है। ओके, ये थोड़ा सा हमसे छुप गया होगा, हम एक सेकेंड इसको हाइड कर देते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, देखिए इसके अलावा आपको एक किचन कैबिनेट देखने को मिलेगी, हम थोड़ा सा किचन कैबिनेट के बारे में आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं। किचन कैबिनेट क्या होता है, और एक सुपर कैबिनेट होता है। सुपर कैबिनेट आपको जब मंत्री मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे तब आप लोग को वहां पर पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक चीज आप लोग समझ लीजिए किचन कैबिनेट के बारे में, किचन कैबिनेट या फिर इसको आंतरिक कैबिनेट भी बोलते हैं, आंतरिक कैबिनेट, इसी को कभी कभार लोकप्रिय कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो देखिए ये समानता आपको देखने को मिलेगा कि ये 15 से 20 मंत्रियों का समूह होता है,
मंत्री को समूह होता है, लेकिन इसमें आवश्यक नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो मंत्री ही हो। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो प्रधानमंत्री के करीबी होते हैं, जो विश्वास पात्र होते हैं, ओके, और कुछ विशेषज्ञों को भी वो बुला सकता है, जो बहुत ही ट्रस्टेड लोग होते हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अन्य भी इसके अंदर होते हैं, अन्य भी कौन होते हैं, जो पीएम के करीबी होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री के जो करीबी होते हैं, ओके, जिनसे वो राय मशवरा करते हैं और जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं कि ये गोपनीय बात है, किसी और के बीच में नहीं जाएगी। इसका नाम किचन कैबिनेट इसलिए पड़ा क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि एक घर में एक किचन होती है, उसमें महिलाएं कार्य करती हैं, और महिलाएं क्या वो हुजूर हुजूर टाइप के सब कुछ वहां पर बातें करती हैं। तो इसी यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि प्रधानमंत्री होते हैं, उनको भी किसी टॉपिक पर राय मशवरा लेना होता है, परिचर्चा करनी होती है, तो वो किससे लेंगे, तो वो इसलिए आपको देखने को मिलेगा किचन कैबिनेट आपको देखने को मिलेगी। ये अनौपचारिक आपको एक निकाय देखने को मिलेगा, ये औपचारिक निकाय नहीं है, ना ही संविधान में इसका वर्णन किया गया है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये संविधानोत्तर मतलब संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि ये अनौपचारिक निकाय है, अनौपचारिक निकाय है, ओके। लेकिन देखिए ये अनौपचारिक निकाय तो है, लेकिन ये निर्णय लेने वाली सबसे उच्चतम संस्था देखने को मिलेगी, ओके। घर के डिसीजन कहाँ होते हैं, एक रसोई घर में किचन में होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिसीजन होते हैं, बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, जैसे मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था कि आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, मंत्रियों को भी कानो कान खबर नहीं हुई, वो ऐसे डिसीजन कहाँ से लिए जाते हैं, किचन कैबिनेट से ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, ओके। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ये क्या है, एक निर्णय लेने वाली एक उच्चतम संस्था देखने को मिलेगी, उच्चतम संस्था देखने को मिलेगी, ओके। और इसे सत्ता का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है, सत्ता का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है, प्रमुख केंद्र भी माना जाता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये अनौपचारिक निकाय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। तो इसको आंतरिक कैबिनेट, किचन कैबिनेट या फिर लोकप्रिय कैबिनेट, कई नामों से इसको जाना जाता है, ओके। सुपर कैबिनेट क्या होता है वो आप लोगों के लिए फिर बताएंगे, ओके। वैसे एक्चुअली आज हमने टाइम नहीं देखा कि कितने टाइम से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आखिर 1 घंटा या 1.5 घंटा कितना हो गया, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं, क्योंकि हमें अभी नहीं पता है कि वॉइस कैसी आ रही है, क्या सब कुछ है, नया सेटअप है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज की क्लास यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई या फिर कोई भी समस्या है, तो आप लोग जरूर बताइएगा, आपके सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ओके।